हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स ये टोटली बेस्ड ऑन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स क्या है, देखो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए रदरफोर्ड ने यूज किया था ब्लॉक ऑफ लेड और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम स्लिट यूज किया था और सर्कुलर एक जिंक सल्फाइड के स्क्रीन यूज किया था और मेटल फॉइल्स यूज किया था। मेटल फॉइल्स तो मेटल्स गोल्ड फॉइल भी हो सकते हैं, सिल्वर फॉइल भी हो सकते हैं, कॉपर फॉइल भी हो सकते थे। ये यू मेटल फॉइल यूज़ किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट्स में क्या होते, देखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो ये रेडिएशन से मीट होगा और ये स्लिट यूज़ किया है फाइन बीम ऑफ अल्फा रेस फॉर्म करने के लिए। और ये अल्फा रेस मेटल फॉइल्स में जब स्ट्राइक किया तो इसको डिटेक्ट किया है जिंक सल्फाइड स्क्रीन ने। जब ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन्स में जब ये स्ट्राइक किया तो एक फ्लैश ऑफ लाइट इससे निकलते हैं। ऑफ इस फ्लैश ऑफ लाइट के बेसिस इसमें अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक किया है, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस स्लिट से ओनली अल्फा रेस पास हुआ था। तो इसमें क्या देखा, जो स्पॉट्स देखा, फ्लैश ऑफ लाइट देखा, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म में है ये सीधा सर, और कुछ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हुआ और कुछ क्या हुआ लार्ज डिफ्लेक्टेड हुआ है अल्फा पार्टिकल्स जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन्स में डिटेक्ट हुआ है एज ए फ्लैश ऑफ लाइट। अब इस एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस हम रिजल्ट्स क्या देख सकते हैं कि ये रिजल्ट्स क्या होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, अल्फा रेस क्या है, ये पॉजिटिव है। सो ये पॉजिटिव रेस क्या मतलब, जब ये लार्जली डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स ये इसके बेसिस क्या कर सकते हैं, मतलब इस जो भी होगा इस एरिया में एक पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव एरिया है। और जब ये स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हुआ है, स्लाइटली डिफ्लेक्टेड ये स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हुआ तो मतलब जो पॉजिटिव एरिया होगा उसके क्लोजली पास हुआ है, सो ये स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हुआ। और जब ये अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्ट हुआ तो अनडिफ्लेक्टेड मतलब इसमें पॉजिटिव पार्ट नहीं है, मतलब जो भी मेटल फॉइल होगा इसके बीच में जो भी एटम्स होगा इस एटम्स के बीच में कुछ कुछ पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, कुछ नेगेटिव पार्ट है, मतलब ये एटम के बीच में जो पॉजिटिव पार्ट होगा इसको एज एक रदरफोर्ड मॉडल्स में क्या बोला, इसको न्यूक्लियस। और इसके अराउंड्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस है और इसके बेसिस ही ये रदरफोर्ड मॉडल्स एक्सप्लेन किया। इस एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस रदरफोर्ड मॉडल्स मिल गए, हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। An atom consists of two parts known as nucleus and externuclear part. जो बीच में जो पॉजिटिव पार्ट होगा इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसलिए नंबर टू में लिखा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम्स वेयर ऑल द प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। जहाँ पर न्यूक्लियस में ऑल द प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नंबर थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस कहाँ से आया है, ड्यू टू द प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स है तो इसलिए इसका चार्ज पॉजिटिव हुआ। और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स, ये डिफरेंट होगा डिफरेंट एटम्स के लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस होगा। ये नंबर थ्री, नेक्स्ट नंबर फोर पॉइंट्स होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होगा इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जितना प्रोटोन्स होगा इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एटम्स को इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होना होगा। सो एटम्स तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, रहना होगा न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, सेम होगा। अब नंबर फाइव पॉइंट्स में देखो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ ए हाई स्पीड्स इन ए सर्कुलर पार्ट्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट्स बोलेंगे। जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के सराउंड में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पार्ट्स में जो मूविंग रिवॉल्व किया है इलेक्ट्रॉन्स उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग हुआ है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स में वो काउंटर बैलेंस क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। सो ऐसे
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड में, ये एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स, लाइक सोलर सिस्टम्स। यही है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स।